इंकलाब टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। ने गंडक नदी पर बने बंगरा घाट महासेतु का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। गोपालगंज जिला के बैकुंठपुर में गंडक नदी पर बने दूसरे सबसे बड़े महासेतु बंगरा घाट महासेतु का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इस मौके पर गोपालगंज, छपरा, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर के जिला अधिकारी सहित कई अधिकारी एवं नेता मौजूद थे। गोपालगंज सीमा की गंडक नदी पर निर्मित यह चौथा महासेतु है। स्वतंत्रता दिवस के 3 दिन पहले बैकुंठपुर में बना बंगरा घाट महासेतु आज से आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। सारण को चंपारण और तिरुहत से जोड़ने वाला 1506 मीटर लंबा यह महासेतु पुल 509 करोड़ की राशि की लागत से बना है। 15 मीटर चौड़ाई वाले इस पुल में लगभग 5 साल 4 महीने इसे बनाने में लगे। इस महासेतु के शुरू हो जाने से 6 जिलों की करीब 8 लाख की आबादी के आवागमन को नया आयाम मिलेगा। इस महासेतु से साहिबगंज साइड में 8 किलोमीटर, छपरा की तरफ से 11 किलोमीटर यानी कुल 19 किलोमीटर अप्रोच पथ बनाया गया है। इस पुल का निर्माण बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के माध्यम से SP सिंगला कंपनी के द्वारा कराया गया है। इस महासेतु के बन जाने से मुजफ्फरपुर के साहिबगंज, चंपारण के केसरिया, गोपालगंज के बैकुंठपुर और छपरा के पानापुर इलाकों को एक बड़े बाजार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है तथा इन सारे इलाकों के लोगों को काफी सुविधा भी मिलेगी। ये जो मील का पत्थर होता है माइलस्टोन, इसे किलोमीटर लिखा था। आप अपने भाषण में कहा करते थे वहां से निकाल कर यहाँ तक पहुंचाने का काम किया है। अब एक और बात बताना चाहूंगा कि 90 वर्षन है एक पिंडली दो ये बहुत जल्द बिहार में लागू होने जा रहा है और जिसके अंदर जो कॉन्ट्रेक्टर अर्नेस्ट मनी जमा करते हैं। शर्मिला रोड से शर्मिला प्रथांश का उद्घाटन हो रहा है 8 फरवरी 14 को और आज उद्घाटन कर रहा है। अब दोनों में दूरी कितना ज्यादा है? बहुत कम है। अभी तो जो हमको मंजीत जी हो इतना डिमांड और वहाँ के पब्लिक लोग इतना खड़े लगे नारा लगाने की करवा दीजिए क्योंकि हम लोगों ने 70 घाट पुल का कर दिया था। तो जब इस बंगरा घाट पुल का उद्घाटन हमारे माननीय मुख्यमंत्री परमपुर के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनकर तैयार हुआ, इसमें 509 करोड़ रुपए की लागत आई और ये 1506 मीटर लंबा है। पुल के बन जाने से अब सीमान, छपरा, गोपालगंज, चंपारण और मुजफ्फरपुर को एक साथ जुड़ रहा है। पुल के बन जाने से फायदा हुआ, इस सियारे के क्षेत्र का विकास होगा और नेपाल से भी हमारी व्यापार बढ़ेगी। आपके जनक अयोध्या से लेकर जनकपुर धाम के जो सर्किट बन रही है उस सर्किट को भी लिंक करेगा। सब वैशाली, सारनाथ से वैशाली तक जो हमारे महावीर, भगवान महावीर का जन्म स्थली है वो सर्किट बनेगा, उसको भी लिंक करेगा। और साथ साथ हमारे ये पुल के बनने से गोपालगंज सीमान, छपरा से मुजफ्फरपुर की दूरी को 55 किलोमीटर कम करेगा, दरभंगा की दूरी 65 किलोमीटर कम हो जाएगी और जनकपुर की दूरी 70 किलोमीटर कम हो जाएगी। इतने दूरी कम होने से आप समझ लीजिए कि इतने कम समय में हम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, विकास होगा और पड़ोसी देश से भी हमारी व्यापार बढ़ेगी। इस सौगात के लिए जो हम लोग मुख्यमंत्री जी ने जो तीसरा सौगात गोपालगंज को दिया है महासेतु के रूप में, पहला था बंगरा का ये आपका मंगल महासेतु, दूसरा 70 घाट महासेतु, आज तीसरा बंगरा घाट महासेतु की सौगात हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी, इसके लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार जताता हूँ। इंकलाब टीवी समाचार आपको अच्छे लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।